गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्विफ्ट थिंग्स मीन्स ऐसी वस्तुएं जो कि बहुत तेज़ मूव करती हैं, बहुत तेज़ चलती हैं, उसके बारे में देखेंगे। हमारी फर्स्ट पोयम है स्विफ्ट थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम इसकी थीम देखेंगे। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन चार्म एंड ब्यूटी। यहाँ पर जो तेज़ गति से चलने वाली वस्तुएँ हैं, कवियत्री जो है हमें उनके बारे में बता रही हैं। और वो क्या कह रही हैं, वस्तुओं की बात हो रही है, इसलिए वो क्या कह रही हैं, देखिए। एवरीथिंग हैज इट्स ओन चार्म एंड ब्यूटी मीन्स एवरीथिंग, सभी चीज़ें जो होती हैं उनके पास स्वयं का चार्म आकर्षण होता है, एंड ब्यूटी और ब्यूटी होती है, मतलब सभी चीज़ें जो होती हैं वो आकर्षित कर देने वाली होती हैं और सुंदर होती हैं। आगे वो क्या कह रही हैं देखिए, इफ़ वी वंडर अबाउट द स्विफ्ट थिंग्स, कि अगर हम किसी तेज गति से चलने वाली वस्तुओं के बारे में आश्चर्य रखते हैं या फिर हम उसकी प्रशंसा करते हैं, एडमायर करते हैं, तो हमें साथ ही साथ वी ऑल्सो एडमायर द ब्यूटी ऑफ द स्लो थिंग्स, तो उस समय हमें जो धीरे गति करती हैं ऐसी वस्तुओं की भी सुंदरता की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ें जो होती हैं वो अपने साथ अपना आकर्षण और सुंदरता रखते हैं। देखियो, अब दुनिया में कितनी भी चीज़ें हैं, सभी के गुण और अवगुण होते हैं, क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ दोनों चीज़ होती हैं ना सभी में, हम में भी होती हैं, कुछ हमारे में एबिलिटीज़ हैं तो कुछ डिसेबिलिटीज़ भी हैं। तो वैसे ही कवियत्री क्या कह रही हैं कि अपोजिट यहाँ पर क्या कह रही हैं कि तेज चलने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो जितनी सुंदर होती हैं उतनी ही धीरे चलने वाली वस्तुएं भी सुंदर होती हैं, क्योंकि सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा में देखेंगे, देखिए इन्होंने क्या कहा है। स्विफ्ट थिंग्स आर ब्यूटिफुल, स्विफ्ट थिंग्स जो होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं। स्वैलोज एंड डियर, ये कह रही है कि तेज गति से चलने वाली जितनी भी वस्तुएं सभी सुंदर होती हैं। अब उदाहरण देते हुए कह रही है, स्वालोज जो है ये एक एनिमल का नाम है, स्वालोज जो है एंड डियर और हिरण जो हैं वो क्या होते हैं, वो भी बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि वो तेज गति करते हैं। एंड लाइटनिंग डेट फॉल्स ब्राइट वेन एंड क्लियर, और बिजली जो कि बहुत तीव्र गति से कहाँ आती है, हमारी पृथ्वी पर गिरती है, तो वो बिजली भी जो होती है उसकी गति बहुत तेज़ होती है और वो बहुत सुंदर होती है। ब्राइट वेन एंड क्लियर, और वो बिजली इतनी स्पष्ट होती है, जिस प्रकार से स्पष्ट और चमकदार जो होती है हमारे शरीर के अंदर जो नसें होती हैं उसमें जिस गति से हमारे रक्त का संचार होता है स्पष्ट तरीके से, क्या होता है वो क्लियर, हमें पता होता है कि वो मूव करता है और तभी हम जिंदा हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि उसी प्रकार बिजली जो है गिरती है वो बिजली बहुत सुंदर होती है, क्योंकि वो बिजली क्या करती है, वो रोशनी क्या करती है, हमारे विश्व को प्रकाशित करती है, रोशनी प्रदान करती है। तो इम्पोर्टेंट हुई ना, जैसे कि हमारी नसों के लिए रक्त है, हमारा खून है, तो वो यहाँ क्या कहना चाहती हैं कि स्विफ्ट थिंग्स आर ब्यूटीफुल, जो तेज गति से चलने वाली चीज़ें हैं वो ब्यूटीफुल हैं, जिनमें एग्जांपल दिया स्वालो है, डियर है, लाइटनिंग है, और साथ ही साथ लाइटनिंग के लिए क्या कहा उन्होंने कि जिस प्रकार से स्पष्ट तरीके से हमारे रक्त का संचार होता है नसों में, उसी प्रकार स्पष्ट तरीके से बिजली जो है वो भी दुनिया में, मतलब हमारे विश्व में जो है वो हमें दिखाई देती है, मतलब हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई देती हैं। आगे वो उदाहरण देते हुए देखिए क्या कह रही हैं, रिवर्स एंड मटेरियल्स। अब रिवर्स नदियाँ जो हैं जो बहती हैं, हम सभी को पता है नदियाँ बहती हैं, रोज़ उसमें स्वच्छ जल आता है, रोज़ उसका जो गंदा पानी होता है वो बहता जाता है और नया पानी उसमें आता है, तो वो सुंदर होती जाती हैं क्योंकि गंदगी बह जाती है। मटेरियल्स ये क्या होते हैं, टूटता हुआ तारा। अब हमने इसको देखा है ना, कई बार हमने देखा है कि वे टूटता हुआ तारा जो है बहुत तीव्र गति से टूट जाता है ना,
कितना सुंदर उस टाइम पे हमारा स्काई दिखता है हमें। विंड इन द व्हीट, अब विंड जो है, हवा जो है, जो व्हीट में, व्हीट के अंदर मीन्स गेहूँ, तो गेहूँ में थोड़ी, गेहूँ के खेत में जो हवा चलती है उस हवा को हम देख नहीं सकते हैं, बट उसकी फसल जो है वो फसल क्या करती है, मूव करती है ना फटाफट, तो वो जब मूव करती है तब हमें वो महसूस होती है, और जब ये महसूस हमें होती है तो वो बहुत तीव्र गति से होती है, ठंडी हवा चलती है तो हमें क्या लगता है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हमें भी हवा तो आती है ना उसकी। तो उन्होंने क्या कहा, रिवर जो कि नदी है वो बहती है, मिटियर्स जो कि टूटता हुआ तारा है, और विंड इन द व्हीट, और गेहूं के खेतों में ये जो हवा बहती है ये सभी बहुत तीव्र गति से एक्टिविटी करती हैं, और उनकी जो एक्टिविटी, इनकी जो गतिविधि है वो हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। इसीलिए क्या कहा इन्होंने कि ये चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं। द स्ट्रॉन्ग विदर्ड हॉर्स, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, शक्तिशाली जो घोड़ा होता है, मीन्स घोड़ा शक्तिशाली होता है, बहुत तेज़ दौड़ता है, तो इसके विदर्ड, इसके बैक में, इसके पीठ पर जो आवरण होता है जब वो दौड़ता है तो उसकी भी गति जो है वो हिलती है, और वो घोड़ा जो है उस अवस्था में, दौड़ने की अवस्था में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। द रनर्स श्योर फीट, और साथ ही साथ जो धावक होता है जब वो दौड़ लगाता है, जब उसकी रेस होती है उस समय मैराथन में, वो क्या करता है, इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से दौड़ लगाता है कि उसको देखते ही हमारा मन जो है वो आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पर कवियत्री क्या कहना चाहती हैं कि फास्ट मूविंग थिंग्स जो होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, जब भी ये मूव करती हैं तो इनकी मूवमेंट जो है वो हमें बहुत और बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स के लिए स्वालो एंड डियर, लाइटनिंग, और लाइटनिंग को तो उन्होंने क्या कहा, एकदम स्पष्ट नसों में बहने वाले रक्त की तरह बताया। रिवर्स एंड मेटियर्स, और नदी, टूटता हुआ तारा, गेहूं के खेतों में बहने वाली हवा, साथ ही साथ ताकतवर घोड़े के विदर्स, और धावक के जो पैर होते हैं, क्योंकि धावक जो होता है पैरों से ही दौड़ता है, और उसके पैर अगर शक्तिशाली, अगर आकर्षक नहीं होंगे, उसमें गुण नहीं होंगे तो वो दौड़ पाएगा क्या, ताकत होनी ज़रूरी है ना, इसलिए उन्होंने क्या कहा, और धावक के जो पैर होते हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में उन्होंने फास्ट मूविंग थिंग्स की क्वालिटीज़, उसकी ब्यूटी और उसके चार्म की प्रशंसा की है, उसको एडमायर किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।